कांग्रेस को हार्ट फेल हो गया है। माता की कमल के फूल के ऊपर बटन दबाएंगे। जमीनी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर टिकट दिया है, प्रीति रेगवार, जिसे भारी जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। यही नहीं, महापौर को भी भारतीय जनता पार्टी ने एक नीचे स्तर से उठा करके सामान्य कार्यकर्ताओं को कितनी अहमियत दी है। राज्यसभा उम्मीदवार हो या राष्ट्रपति सर्वोच्च पद के लिए भी मैं जानना चाहता हूं आलोक शर्मा साहब से, सर भारतीय जनता पार्टी निरंतर सफलताओं की ओर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा हर कार्यकर्ता के काम का आकलन होता है, हर कार्यकर्ता के काम का मूल्यांकन होता है। जो कार्यकर्ता काम करता है पार्टी उसको उठा लेती है। हमारी सुमित्रा बाल्मीक भारतीय जनता पार्टी की साधारण कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पार्षद के रूप में काम करना प्रारंभ किया था। कब पार्टी ने निर्णय किया उनको मालूम भी नहीं था, उन्होंने टिकट भी नहीं मांगा था और उनको राज्यसभा के माध्यम से संसद के अंदर पहुँचा दिया गया। आज राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी जी, वो भी आज देश के बड़े पद पर पहुँची है, उन्होंने भी अपनी राजनीतिक यात्रा पार्षद के रूप में प्रारंभ की थी। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता के काम का आकलन होता है। महापौर पद की प्रत्याशी है, एक साधारण परिवार से, एक मध्यम वर्गीय परिवार से, उनके काम का आकलन किया। आज भोपाल का महापौर पद का प्रथम नागरिक का प्रत्याशी उनको बनाया है। ये हमारी प्रीति रेखवार है, वार्ड नंबर 8 से, मांझी समाज से आती है, रेखवार समाज से आती है, बहुत गरीब कार्यकर्ता है। बरसों से रेखवार समाज के माध्यम से वे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही है। पार्टी ने आज उनको टिकट दिया है और निश्चित रूप से यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है वार्ड नंबर 8 से। और वार्ड नंबर 8 में सभी लोग को प्रीति का को आशीर्वाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। मैं तो वार्ड नंबर 8 की जनता से यही निवेदन करूंगा, आने वाली 6 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल का बटन दबाकर महापौर पद की प्रत्याशी मालती राय और पार्षद पद की प्रत्याशी हमारी श्रीमती प्रीति रेखवार को वोट देकर विजयी बनाए। सर एक छोटा सा सवाल और था, सर संबल योजना इतनी अच्छी योजना है, इस आचार संहिता में भी मुख्यमंत्री जी ने गरीबों से इस योजना को दूर नहीं किया, काफी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश में काफी विकास की, देखिए मध्य प्रदेश में गरीबों की चिंता किसी ने की, गरीबों की चिंता की तो गरीबों के मसीहा शिवराज सिंह चौहान ने की है। मध्य प्रदेश में तो गलती से एक्सीडेंटल कांग्रेस की सरकार बन गई, कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने गरीबों की संबल योजना बंद कर दी। अब संबल योजना क्या है? अगर कोई गरीब का एक्सीडेंट हो जाएगा उसको पैसे मिलेंगे, अगर कोई गरीब को एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाएगी राशि मिलेगी, उसको भी बंद कर दिया। पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता के प्रति, गरीब जनता के प्रति वे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, इसलिए संबल योजना का लाभ हर गरीब को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, इसलिए तो आज प्रधानमंत्री हाउसिंग फॉर ऑल योजना में उनको मकान दिए, 5 किलो राशन फ्री मिल रहा है, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। जनता परिवर्तन चाहती है और इस बाढ़ में हर हालत में कमल का फूल खिलेगा। सर काफी तेजाई से कांग्रेस से लोग जा रहे हैं और काफी निराश हो चुके हैं, इसे क्या बात देखने? कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है, कांग्रेस को हार्ट अटैक हो गया है, कांग्रेस को हार्ट फेल हो गया है, कांग्रेस टीबी और कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित हो गई है और कांग्रेस में सबका मोह भंग हो गया है। सब लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं और इस आने वाले विधानसभा चुनाव में और नगर निगमों के अंदर कांग्रेस को सुपुर्द खाक मध्य प्रदेश की जनता करने वाली है। जनाब इस बार वार्ड नंबर 8 में काफी जोश खरोश है प्रीति रेखवार को लेकर, कैसा माहौल दिख रहा है? यहाँ देवभ गाय के शरीर के हयात को संगठन और सत्ता ने टिकट दिया है और ऐसी लेडीज है वो जो जुझारू और मेहनत कश है और यहाँ की समस्या, यहाँ के हालात से अच्छी तरह से वो वाकिफ़ हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे वार्ड के निकल कर कमल के फूल के ऊपर बटन दबाएंगे और भारी बहुमत से वो जीतेंगी और जीतकर वार्ड के विकास करेंगी। आपके प्रेस के माध्यम से माननीय मध्य प्रदेश के हरदल अजी वजीर आला जनाब शिवराज सिंह चौहान जी ने जो प्रदेश में लागू की हैं, यानी मुख्यमंत्री निकाय स्कीम योजना, जन्य सुरक्षा योजना और क्या कहते हैं लाडली लक्ष्मी योजना, ये बहुत सारे हमारे भाइयों को नहीं मालूम, आयुष्मान कार्ड और क्या क्या चीज़ें जो बहुत सौ को फ्री इलाज हो रहे हैं। मैं बहुत से अपने भाइयों से कहूँगा कि ये भी अब दूसरों तक पहुँचाएँ और यकीनन हमारी बहन जीतेगी, भारी वोटों से जीतेगी और
नगर निगम में पहुंचेगी। हाफिज जुनेद अहमद खाकसार को कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं दीपक रेगवार जी, वो उनकी वाइफ हैं। और दीपक जी सामाजिक तौर पर क्षेत्र में बहुत पॉपुलर भी हैं और लोगों के साथ मिलनसार हैं और क्षेत्र में उनका बड़ा अच्छा वर्चस्व है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य की बात है, हमें ऐसी कार्यकर्ता मिली है। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 8 से विजय श्री का वर्णन करेगी। वार्ड नंबर आठ में बहुत अच्छा माहौल चल रहा है और पार्टी की संगठन ने जो हमारे प्रीति रेखवार जी को मैदान में उतारा, निश्चित तौर पर विजय श्री का वर्णन करेंगे। और साथ ही साथ सभी वर्गों में एक जोश है कि पहली बार ऐसे उम्मीदवार हमें मिली है वार्ड नंबर 8 में, ताकि हमें ज़रूर कुछ अच्छा होगा। हम बात करते हैं श्रीमती प्रीति रेखवार के पति से। सर, बड़ी खुशी का मौका है, आपकी पत्नी को इस बार पार्टी ने टिकट दिया है और काफ़ी जनसमर्थन भी मिल रहा है, कैसा बोलते हैं? मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनने मुझ जैसे ज़मीनी स्तर के व्यक्ति को, मेरी पत्नी प्रीति रेखवार को, जो ज़मीनी स्तर की हैं, जिन्होंने कोरोना काल के अंदर में भी काफ़ी हेल्प की है। भोपाल की राय, भाभी की राय, बुआ की राय, चाची की राय, मम्मी की राय, छोटू की राय, उमर अली जी, हाफिज जुनेद साहब, शेखर जी, सब जोरदार तालियां बजाकर। ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता भैया, कहीं नहीं हो सकता। राजू साहब का स्वागत करें। हमारे बीच अजय बुंदेला जी उपस्थित हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। आमिर खान से निवेदन है कि अजय बुंदेला जी का स्वागत करें। हमारी भारतीय जनता पार्टी ये पूरी दुनिया जानती, पूरा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर छोटे से छोटे कार्यकर्ता, गरीब से गरीब कार्यकर्ता का सम्मान होता है और वो भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया। वार्ड क्रमांक 8 से हमारी बहन प्रीति रेखवार, जिनको टिकट दिया है, बहुत हमारी छोटी सी कार्यकर्ता हैं, सशक्त कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता हैं, मेहनती कार्यकर्ता हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया और हम सब प्रचंड विजयी बनाएंगे। सब्जी बेचने वाला हो या पंचर जोड़ने वाला हो, भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को आगे बढ़ा दिया है। महापौर पद के लिए भी उन्होंने मालती राय को चुना है। मैं राजधानी से आसिफ खान, भोपाल।